हो गया। थैंक यू, धन्यवाद जी। जाइए ना, हम श्री सुरेंद्र अग्रवाल भी है। विवेक जी आइए ना मंच पर। अरे विवेक देखिए, परम आदरणीय सदगुरु सदानंद जी महाराज के कृपा से आज यहाँ श्री प्रणामी मंदिर में एक अस्पताल के निर्माण का काम का शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन का काम हुआ है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ जो गरीब मरीज हैं उनका बहुत नॉमिनल शुल्क पर इलाज होगा, उनका जांच की सुविधा बढ़ेगी, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ महाराज जी का, इन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र के स्थान को इसके लिए चुना है। आज का ये कार्यक्रम हमारे ट्रस्ट के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे नेपाल में दीन दुखियों की, अनाथ गरीबों की सेवा का प्रकल्प चल रहा है। तद अनुसार 40 विकलांग आश्रम है, 10,000 विकलांग रहते हैं, उसी का एक शाखा यहाँ खोला गया है। 108 गौशालाएँ पूरे भारत में बनी हैं, और पोलियो ऑपरेशन सबसे पहले शुरू किया था, और हमारे जैन साहब ने पूरा सहयोग दिया। भारत में कुल 110 पोलियो रोग निष्कर्ष करके और 40,000 जो तकलीफ पर और 35,000 ऑपरेशन किए गए, और अभी भी चालू हो कार्यक्रम हमारे जैन साहब उसमें, तथा ये जो आज शुरू किया है उसमें बहुत है, कमी नहीं है, पर बिजनेस के रूप में चलते हैं। हम चाहेंगे गरीब का इलाज किराया जाए, नॉर्मल पेशेंट किया जाए, चंदे से नहीं, यहाँ 1,000 रुपये लगता है, वो काम 200 रुपये में बन जाएगा, वो 200 रुपये दे सकता है, नहीं दे सका तो टी शर्ट का कौन से दिला दूंगा मैं। इसका लक्ष्य यही है, तुम सेवा से पाओगे अपन, सेवा से बढ़कर संसार में, और मानव की सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है, और गौ माता सेवा गोपाल की सेवा है, यही लक्ष्य है इस हॉस्पिटल का। कब तक हॉस्पिटल तैयार होने का लक्ष्य बनाएगा, कब तक बनकर तैयार हो जाए? कब से गरीब वाला है, गरीब हटालेगा तो उस दिन शुरू हो जाएगा बनना, एक साल में तैयारी हो जाएगा। जी बाबा जी, सदगुरु कृपा अपना घर के नाम से जो आपका, हाँ जी, ये इसका क्या मकसद है? मकसद ये है, आपको भी आप प्रचार कीजिएगा, कहीं पर भी आपको बढ़ावा मिल जाए, 10 कपड़े लगा रखे हैं, दाढ़ी मूछे मक्खियाँ भिन्न बने डाल, उसको आप यहाँ भेज दीजिए, पूरे बिहार में 200-400 जितने में होंगे, तो उसका लक्ष्य है कोई भी सड़क पर पड़ा होने मैंने न हो, कोई भूखा न सोए हुए उस दिन, उनको ये नहीं पता मेरा नाम क्या है, जिसको अपना नाम ही नहीं पता उस क्या करें, फिर उसका धीरे धीरे सेवा होती है, उसे बता लगता घर, फिर उसके घर में समाचार भेज दें और उसको फिर घर भेज देते हैं। श्रीमती सिंहा सीता साहू जी को स्वागत करेंगे माल्यार्पण। आगे भी जाओ, जाओ गेटवा छोड़ेगा तब ना। आइए सर, मोदी जी कौन समझते हैं, कौन समझते? बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। प्रमोद गुप्ता जी मंच पर पधारे हैं, और हम चाहते हैं कि इनका